लगातार कुछ घंटों तक एक ही जगह पर खड़े रहने के बावजूद ट्रेन के डीजल इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता है? आपके मन में ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आया होगा, तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। इस रेल नेटवर्क में हर दिन लाखों यात्री यात्रा करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में आज भी आधे से ज़्यादा इंजन डीजल से चलते हैं। हालांकि भारतीय रेल अपने नेटवर्क में बिजली से चलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा इंजन लाने की कोशिश में लगा हुआ है। आने वाले समय में हमें भारतीय रेल में अधिकतर बिजली से चलने वाले इंजन देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं या फिर अपने रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन में छोड़ने जाते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि स्टेशन से सफ़र करने के लिए जाने वाला इंजन लगातार चालू रहता है। चाहे कितना भी देर हो जाए, लोको पायलट डीजल इंजन को बंद नहीं करता। तो ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर चालू डीजल इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता? तो आपको बता दें, इसके पीछे कई कारण हैं जिनकी वजह से डीजल इंजन बंद नहीं किया जाता। अगर डीजल इंजन को बंद कर दिया जाए तो इसके कंप्रेशर पर गलत असर पड़ता है और इसकी ब्रेकिंग सिस्टम भी फेल हो सकती है। आपको बता दें कि हर डीजल इंजन में एक बैटरी लगी होती है। ये बैटरी तभी चार्ज होती है जब इंजन चालू रहता है। अगर ये बैटरी चार्ज ना हो तो ट्रेन का लोकोमोटिव सिस्टम फेल हो सकता है। रास्ते में लाल बत्ती आ जाने पर या किसी कारणवश ट्रेन के डीजल इंजन को बंद कर दिया जाए तो इंजन को फिर से चालू करने के लिए लगभग 20 मिनट लग जाता है। इन सब के अलावा डीजल इंजन को चालू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डीजल की ज़रूरत पड़ती है। इससे साफ होता है कि डीजल की खपत को बचाने के लिए इंजन को बंद नहीं किया जाता। तो दोस्तों, अब आप लोग जान गए होंगे कि ट्रेन के डीजल इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता। आपको बता दें कि आने वाले समय में हमें ट्रेन के डीजल इंजन शायद देखने को ही ना मिले, क्योंकि इनकी जगह बिजली से चलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा इंजन लाने की कोशिश की जा रही है और इससे रेलवे और पर्यावरण दोनों का फ़ायदा होगा। सो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।